हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल ट्रैवल अचो में। तो बहुत दिन हो गया मैंने जो है वीडियो जो अपलोड नहीं किया है। तो इस वाले वीडियो में जो है इस वाले ब्लॉग में रहेगा, जब रामपुर से हम पहले शिमला आएंगे, शिमला में जो मम्मी मम्मी मामा जी और मामी जी जो है वहाँ से जो है रिवाज़ और मनीकरण जाना उन्होंने, तो शिमला तक हमारे साथ आएंगे। वहाँ से आगे मैं जो है रुपिन जो मेरा मापो भाई है, पहले हमने गाड़ी का सर्विसिंग कराना है क्योंकि गाड़ी को जो है 1500 किलोमीटर चल गया है एक महीना से, मतलब पहले ही इतना चल गया, तो सर्विसिंग फर्स्ट सर्विसिंग का डेट हो गया उसका। तो सर्विसिंग के लिए हम लेके जाएंगे शोगी शोगी की जो है वहीं पे लेट हो गए हम, तो रात को जो हम वहीं पे रुके, हम सोलन में रुके भैया सौरभ भैया के पास। तो आज का व्लॉग वहीं पर कवर करेंगे, पहले हम नारकंडा में थोड़ी देर बर्फ़ खेलेंगे, वहाँ से शिमला, शिमला से शोगी, शोगी में सर्विसिंग गाड़ी का, उसके बाद जो है शाम को जो है सोलन। तो चलिए चलते हैं और जो है व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं और व्लॉग जो है शुरू करते हैं। चलिए, ये देखिए हमारे पीछे लाइन लगी गाड़ियों की। आज तो मौसम भी ख़राब है, बादल बादल है यहाँ पे। ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आई थिंक रोड क्लियर है बोल रहे हैं, फिर जाके ब्लास्टिंग होगा। और देखिए वाह वाह ब्लास्टिंग, और देखिए पहाड़ का जो है सीना चीरते हुए। लगभग 2 घंटे के ड्राइव के बाद तो फाइनली हम पहुंच गए नारकंडा। तो देखिए यहाँ पे जो है नारकंडा में कितना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। तो जब स्नोफॉल होता है तो नारकंडा जो है यहाँ पे बंद हो जाता है, क्योंकि जो है स्किट जो है टायर जो स्किट होने लग जाते हैं। तो जब स्नोफॉल होता है यहाँ पे हैवी स्नोफॉल, तो ये वाला रोड जो है बंद हो जाता है। तो वाया बसंतपुर करके जो है सैन से होकर जो है हमें जाना पड़ता है। तो अभी तो ये रोड खुल गया है, लेकिन अभी भी जो है आगे जो है ये रोड पे मतलब नीचे बर्फ़ जमा हुआ है, उसके ऊपर से जो है मिट्टी फेंका हुआ है, तो इसकी वजह से जो है इतना स्लिप नहीं हो रहा है। अभी भी जो है इस रोड पे रिस्क है, तो इसीलिए मैं जो है स्पीड जो है ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो है बर्फ़ जमा हुआ है। तो यहाँ पर जो है बर्फ़ स्नोफॉल के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने का जो है एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है अभी भी मैं जो है स्पीड मैंने कम रखा है। अब नारकंडा हम आए हैं और स्नो जो है बर्फ़ ना खेले ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आगे गाड़ी रोकते हैं और जो है थोड़ी देर जो है बर्फ़ का जो है लुत्फ़ उठाते हैं। हम पहुंचने वाले हैं नारकंडा और देखिए हमारे पीछे बर्फ ही बर्फ। ये रहे मामी जी, मामा जी, रुपिन, मम्मी। अब हम बर्फ खेलेंगे थोड़ी देर। ये देखिए वाह अच्छू, बहुत ठंड है यहाँ तो, आराम से आधा फुट। मम्मी ये देखिए बर्फ, पैर घुसाओ देखो अंदर घुस जाएगा पूरा, ठंड है। ये तो हमारा रोकती जंगल है एक ना सांगला में, वैसे ही है सेम, एकदम ठंडा ठंडा जंगल ही वैसी है, रोकती जंगल की तरह है। इसको देख के रोकती की याद आ रही है। बस हम पहुंचने वाले नारकंडा, 1-2 किलोमीटर की है बस पहुंचने वाले नारकंडा। गाँव के मुकाबले यहाँ ज़्यादा आया बर्फ, देखिए लगभग आधा फुट। वही 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 कितना अंदर घुस गया मेरा पैर, देखिए ये देखिए हाथ मेरा कितना अंदर घुस गया, छूआ हाथ ही जम गया मेरा। वो ठंड इतना यहाँ पे, रुपिन भैया बर्फ बर्फ तो खेलो यार, ऐसे कैसे चलेगा यार, है गांव में स्केटिंग खेल दिया यार, गांव में स्केटिंग खेला होता यहाँ। एक्चुअली ये अभी जो है नीचे रोड पे भी बर्फ जो है जमा हुआ है, लेकिन ऊपर से मिट्टी लगा है ताकि स्किड ना हो टायर। अभी भी देखिए बर्फ जमा हुआ है यहाँ नीचे। इस बार गाँव में तो कम है, नारकंडा में अच्छा है, आधा फुट के करीब आया हुआ है। ये देखिए पहले पहले हम ये तो ठंडा यार गोला बना के मारते थे,
लेकिन बिल्कुल ही जम जम नहीं रहा है, चलेगा। ओ यार मेरे कपड़ों में लग गया। ऐसा ना जैसे थोड़ा गाड़ी के पास जाके ऊपर को बर्फ में वो अच्छा लगे। हाँ यार होम फील की सारा भाई भाग बंद चले गए गाइस। हैं सवेरे हम जो है रामपुर से जल्दी निकल गए थे, तो ब्रेकफास्ट किया नहीं था हमने। तो हमने सोचा था कि नारकंडा में जो नेगी रेस्टोरेंट है बहुत पुराना है, बहुत फेमस है, तो वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे सोचा था, बट वो बंद है। तो चलिए आगे देखते हैं कहीं रेस्टोरेंट हो तो वहीं पे जो है हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हम रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए शाम रेजेंसी, ये नारकंडा और मतियाना के बीच में है, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, एकदम नीला आसमान, ये शहरों में देखने को नहीं मिलेगा। सी में लाइक दिल्ली में देखिए अंदर से कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए बुफे सिस्टम भी है, बैठने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। चलिए बैठते और ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कैसा मिलता है। हमारे पीछे चेहरे बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल है, टेबल भी ठीक है, लाइटें भी देखिए फैंसी वाले। ब्रेकफास्ट आ गया हमारा, ये रुपिन ये मामा जी, हमने बनाया है प्याज के पराठे मंगाए हैं, रुपिन ने मंगाया है आलू के पराठे। चलिए टेस्ट करते हैं। A few moments later, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, अब हम थोड़ी देर धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, टेस्टी था बहुत। अगर आप भी प्लान बना रहे हो नारकंडा से कहीं ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह करने का तो यहाँ पे ठीक है, शाम शाम एजेंसी। देखिए मम्मी जी और मामी जी, धूप ऐसे आँखें हो रही है, सन ग्लासेस लाना भूल गया। अरे मामा जी जरा रुपिन साथ में, चलिए थोड़ी देर बैठते हैं उसका फिर निकलेंगे शिमला शूट शूट। अरे मम्मी मामा जी जरा नाम शाम रेजेंसी नारकंडा में ही आते हैं बेसिकली ये। वो देखिए डोगू ठंडू ठंडू में बर्फ़ का पानी जो है वो पीते हुए, अभी भी देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ है सामने पहाड़ में, देखिए ठंड है बर्फ़ की वजह से, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चली हुई है।
ये देखिए जहाँ पे हम अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, श्याम रेजेंसी, 5 फ्लोर का है बेसिकली। ठीक है, रोड हेड पे ही है, नारकंडा से ज़्यादा नहीं लगा, गाड़ी में 4-5 मिनट ही लगे, नज़दीक ही है। अब यहाँ से जाएंगे हम मतियाना, वाया मतियाना होते हुए शिमला के लिए, बस चलते हैं 5 मिनट में डूब सके। और ये हम पहुंच गए हैं फाइनली शोघी। यहाँ पे जो है गाड़ी का सर्विसिंग के लिए हमने दिया है, गाड़ी जो है धुलने के लिए जो है यहाँ पे आ गई है। मम्मी मामा जी और मामी जी जो है शिमला उतरे हैं, वहीं से टैक्सी किया था, तो वहीं से जो रिवालसर के लिए निकल गए हैं। और मैं और रुपिन आए हैं यहाँ पे शोघी में, जब तक हमारी गाड़ी धुलती है चलिए हम आगे रेस्ट रूम में बैठते हैं। हमारी गाड़ी गई है धुलने, मैं और बाया है रेस्ट रूम में, और हम देख रहे हैं मैच हाइलाइट्स। आगे का दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए हमारी दोनों राइन देखिए धुल के आ गई। अब आगे इसका कोटिंग होगा और चेक होगा इंजन वगैरह। लंच टाइम हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे लंच करने गए थे रुपिन और मुझे भी भूख लग गया, तो हम यहीं पे साथ में रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हमने फ्राइड राइस मंगाया और चीज़ सैंडविच मंगाया। चलिए लंच करते हैं और सामने जो नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। अभी नट बोल्ट्स चेक होते हुए हो गया, आप नीचे कर रहे इसको, ये है हाइड्रोलिक। लेकिन लाइन लाइन से गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, सर्विसिंग में कितनी सारी गाड़ी है, गाड़ी है। फाइनली ये देखो हमारी धनो रानी एकदम नहा के तैयार, नहा के पॉलिश पुलिश मार के चमकती हुई। नंबर प्लेट एक्चुअली यहाँ कम्युनिकेशन हो गया था तो रामपुर चला गया था, अब वो जो है स्पीड पोस्ट करेंगे दिल्ली में, अब दिल्ली में ही नंबर प्लेट लगेगा इसका। सर्विसिंग करते करते लगभग हमें 4 बज गए, लेट हो गए हम, 4 बजे हम शोघी से निकले हैं, तो भूख भी लग रहा था हमारे को, तो सोलन पैस पहुंचने से पहले ही हम रुक गए हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ पे जो है हम लंच करते, तो चलिए लंच करते हैं। ये देखिए जहाँ हम रुके अभी लंच करने के लिए, वहाँ से सामने का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू। हमने मंगाया शाही पनीर और रोटी खा रहे हैं, हम कैसा है भाई टेस्ट? बढ़िया बढ़िया टेस्ट है, तो चलिए ज़रा खाने का आनंद लेते हैं। ना मसाले मसाले होते हैं मछली, अच्छा बनाया है, हमने कहा था मसाले कम लगाना तो ठीक बनाया, बहुत अच्छा। छुरी जाना तो अच्छा था, क्यों वहाँ पर ना जान क्यों है ब्रेकफास्ट में, अच्छा वहाँ तो अच्छा था, वीडियो बन रहा है इसलिए। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं सोलन, सोलन 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 सोलन, यहाँ ऊपर से फ्लाईओवर बन रहा है तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पे नीचे रोड की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ भैया के घर, मेरे जो मासी के, मासी के घर आया हूँ मैं सोलन हरेबोन, तो मासी बोले तो है नहीं चंडीगढ़ गया, तो मैं रुपिन भाई और सौरभ भी आए। देखिए अलेक्सा चला दिया रुपिन ने आते ही, वो तो बताया अलेक्सा, अलेक्सा अलेक्सा से आई लव यू, ऑफ कोर्स आई लव यू, आई लव। तो
आज के हमारे शेफ है सौरभ भैया और साथ में साथी है रूपिन हमारे, साथ में एलेक्सा चला रखा है हमने। आप गाओ एलेक्सा, क्या हुआ, क्यों रुक गए आप? सहायता प्रिय।